मुंगेर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1100 लीटर विदेशी शराब के साथ वार्ड पार्षद के बेटे समेत दो को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तस्करों की दो गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर वासुदेवपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को अवैध शराब के साथ धर दबोचा। दरअसल मुंगेर एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि वासुदेवपुर थाना इलाके में शराब तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है और शराब की खेप आने वाली है। इसी सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर वासुदेवपुर थाना पुलिस द्वारा उस वाहन की रेकी की गई। जब पुलिस ने मालवाहक को रोककर तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब के कार्टन बरामद हुए। वहीं बाइक से रेकी कर ले जा रहे तस्कर वार्ड पार्षद के बेटे बिट्टू यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी जग्गुनाथ रेड्डी ने कहा कि ये लोग झारखंड से शराब लाकर मुंगेर में ही खपाने की तैयारी में थे। अंतर्गत एक पिकअप पकड़ा गया रात में, इसमें 1100 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। दो अरेस्टिंग है और एक पिकअप वैन को जो लाया गया था उसको भी सीज किया गया और मोटर बोल के उसको भी सीज किया गया। सर ये लोग झारखंड से लेके आ रहे थे, यहीं मुंगेर में ही इनका डिलीवरी था, तो हम लोग सुबह से ही हमको सूचना था आपको लगे हुए हैं तो उसी के आधार पर पकड़ा गया। तो एक बिट्टू यादव है और दूसरा मंडल है, तो दो है ये लोग। पहले भी ये लोग एक बिट्टू यादव जो है जेल चला गया है और इनका पहले भी शिकायत है। देखिए हम लोग भी लगातार अभियान चलाते रहते हैं, पकड़ते हैं और कार्रवाई भी होता है, बहुत सारे केस भी कांड दर्ज किया जाता है, तो हम लोग भी सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शराब तस्कर बिट्टू पूर्व में भी शराब कारोबार के मामलों में लिप्त रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।